हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हवा सिंह चहल का आपका संदेश दोस्तों राम राम। आज यहाँ कोर्ट के सामने किसानों का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। नारायण प्रकरण के बाद बात यह है धरना लगाया हुआ है किसानों ने, ये देखिए उसके ऊपर हमारा भाई कुलदीप सरदेवी ठीक हो जाए, परमात्मा से दुआ करते हैं। और रही बात प्रतिदिन यहाँ किसानों के बदल बदल कोनी काम का समय है, अभी हिड़ा फिस गए किसानों की हाजिरी और आदमिया कोनी अपने बोकते करा कर गे दिया बहुत भारी गलती कर रहे हो। इस सुधार के दिखने लग रहे हैं यहां अपनी सारी सब्जी सारी चीज थारे बने कि मैं गाजर बोए दे, कितने मूली बोए दे, कितने शकरकंदी बोए दे, कि मैं आलू बोए दे, कि मैं तम्बाकू बोले, और एक किलम चने बोले, एक में मेथी बोले, एक में गुआर बोले, एक में बाजरा बोले। ये अंडपंड इतना बनाए कि ना तो अपन लंबे हो जाएंगे, सांस भी कौन काटे, सांस भी हमें अपना आप बना रहे हैं। 80-80 मिनट पैदा करके लागे दे जरूरत कोनी, वो बुढ़ी पहले बरोली हम रखी करती बीज, अपना घर का बीज बोया करते, सारे ठाट होया करते, अपना हाथी कुबाड़ा कर रहे हो, जरूरत कोनी, अपनी अपनी खेती बोले ठेकन देने की ताल करते हो, दो साल कर लो अपने वो खतरा वाले कुत्ते लाग जाओ बैन चौसी वाले पहले को नहीं मारते। हमें जिस दिन भी रोक लाना चाहो उधर रुकिया बेढ़ा ही सारा तो ढीना है केस है, और तो बेड़े बेड़े लाइट साहब होगी चले गए भाई। तो भाई मेरे दिया एक प्रार्थना है सारे भाई इकट्ठे होगी कि मैं अपने मसराती तत्व पर रहे बेरा से जो यो आएगा फर रहा है योरा फर रहा 12 तारीख अभी आदमी 12 को नहीं होंगे बाल बाद कर अभी कह रहा क्या गल के आठ लाई रही से जितना अपना ताकत हो उधर उधर लड़ से उधर आ जाओ, ये एक भी जब पुलिस आ दी जरा गारंटी दो मैं गनुआ तो बड़ा हार्दिक स्वागत है। जय जवान जय जवान जय जवान। अब मैं बेनती करता हूँ बैंड राजमाला जो कि ब्लॉक प्रधान है आंगनबाड़ी की वो आए। किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नहीं डरेंगे घुड़की से, तख्त बदल दो तेज बदल दो। नमस्कार। इनका ऊपर अगर किसी के पास दो गाय हैं तो उसको दूसरी गाय पर टैक्स लगेगा, दो भैंस रखते हैं तो एक भैंस पर टैक्स शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि अपने सभी परिवारों से जिस तरह फैमिली आईडी बनाई गई है ऐसे ही पशुओं की गिनती कर चुकी है सरकार। और दूध भी जिस तरह आप डेयरी में दे वहां तकरीबन गांव में डेयरी है आजकल 2 किलो से ऊपर दूध देंगे तो उसके ऊपर टैक्स होगा। और जितने भी रोड के ऊपर ये होटल है दुकान है ये भी सरकार ठेका प्रथा पर देने को जारी है। मैं सभी भाइयों से मजदूरों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आंदोलन किसान किसान का समझ के चल रहे हो, ये आंदोलन सभी जातियों पर सभी मजदूरों पर सभी मजदूरों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान मजदूरों को समर्थन देने का आप विचार करें और ज्यादा से ज्यादा चाचे ताऊ भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आंगनबाड़ी और आज जिला प्रधान है मैं हिसार जिले की आंगनबाड़ी की प्रधान आपका समर्थन करने आई हूँ और मेरा पूरा जिला आपके साथ है और किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जहाँ भाई हमारे किसान भाई एक लाठी खाएंगे हम बहने वहाँ पे दो खाएंगे। हम अपने चाचे ताऊ भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो पैसे की बात है चाहे वो तन मन धन से हम आपके साथ हैं और किसी से डरने की लड़ने की कोई जरूरत नहीं हमें। हम ये नहीं सोचते हम लेडीज हैं ना, हम हरियाणा की नारी क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी पूरे आंदोलनकारी है। हम आंदोलन पूरा करेंगे, हमारा एक महीने से तो अपने यहाँ हिसार डीसी ऑफिस पे चल रहा है और 2-4 महीने से हमारा कमला ढांडा के आवास पे चल रहा है, लेकिन हम भाइयों के साथ भी हैं। ये कर्मचारी मजदूर
किसान सभी का है, ये मत सोचना भाई ये अकेले किसानों का है, नहीं सभी का धरना है ये, और सभी इकट्ठे होकर मिलकर लड़ांगे ना तो इस खट्टर की पट्टर की किसी की हिम्मत को नहीं जो हमने अलग कर दी। हमें पता ही अब चले हमारा भाईचारा है, अब पता चले हमने हमारा भाईचारा भी है, पहले हमें पता ही नहीं था जातियों में बांट रखा था इन्होंने, हमें यही नहीं पता था हमारा कौन सा भाईचारा है कौन सा नहीं है, हम जातियों में बटे हुए थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारा भाईचारा है वो पंजाब के साथ भी, अब हमें पता चल गया भाई हमारा भाईचारा है और अब हम ये नहीं पाड़ सकते। ये रांडो की सरकार है, इनको नहीं पता सरकार कैसे चलानी है, बंदर के हाथ में बंदूक दे दी इनके साथ तो वो बन गई हल्दी की गांठ, मुस्से को हल्दी की गांठ बन मिल गिर पंसारी बन बैठा, इनके बिरा देश चलाने का मोडे में इनका कुछ आगे नहीं पछे नहीं, इन्हें न्यू बेरा नहीं, घर क्यों कर चल लिया करे, औरत क्यों कर रखा करे, बच्चे कैसे पढ़ते हैं इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारे चाचे तव्वा ने बेरा है और सारी ताकत हमारे पास है, जो हमारे चाचे ताऊ भाई अनबोते हैं उसी की रोटी ये मोदी खाता है। अगर हमारे किसान एक दिन भी खेती ना करे तो ये खट्टर मोदी और एक यो अमित शाह सूर वो अरे जो खट्टर है ना यो भूरा सूर चामरा सूर ये भूखे मर जा भूखे, अगर हमारा किसान भाई एक दिन भी अन्न पैदा ना करे तो ये भूखे मरे, खाता भी हमारा और आंख भी हमें। सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ की राम राम, दो चार मिनट बात कराएं भाई, आपसे निवेदन है कि बैठ जाओ आप भी सारे। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब न्याय की लड़ाई के अंदर अपना घर बार छोड़ के दिन रात यहां एसपी कार्यालय के बाहर बैठे हो, और दूसरी बात मैं एक मिनट रुक जा जी, दूसरी बात मैं माफी मांगना चाहूंगा आप सबसे कि रात का टाइम पर दिन में भी कल से इतना समय नहीं दे पा रहा, मेरी मजबूरी है, मेरा घर पर छोटा भाई की शादी रख रखे 20 तारीख की, मेरा ना पापा ना काका ना ताऊ, मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए कम से कम जितना मेरा टाइम लिख रहा है मार आने लग रहा हूं भाइयों से कह के भी गया था, अगर कोई काल हो कोई बात हो कोई चाहे उस टाइम पर इंतिका रखे बचे आधी रात ने फोन कर दियो चाहे फेरे होंगे हो तारे बीच में पाऊंगा। दो चार जरूरी बात आपसे करनी है, इसलिए थाना टोलता है कि भाई राजेंद्र सिंह दीप सद्दू वाला पंजाब के बहुत बड़े नेता, युवा नेता, पढ़े लिखे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और क्रांतिकारी, पूरी टीम का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं राजेंद्र सिंह दीप सिद्ध वाला। साथियों संयुक्त किसान मोर्चे की रीढ़ की हड्डी, आपने नाम कम सुनिया होगा मेले भी कम हो गए, और जो भाई दूर दूर खड़े हैं मैं उनसे निवेदन भी करूंगा अगर आज यहां आए हैं तो भाई राजेंद्र सिंह दीप सिद्ध वाला की बात भी जरूर सुन की जाइए। सबके बारे में मैं कह अभी नहीं करता, मेरी पसंद का भाई है, इसलिए आपसे निवेदन है, कई भाई ये भी कहते हैं एक आधा भाई माइक को भाषण देने का मतलब है, आंदोलन में जितने जरूरी आदमी है ना उतना ही जरूरी माइक और उतनी जरूरी बातचीत हो, जब आपको कि मैं समझे में नहीं आओगा हम कि मैं समझ आवा नहीं गए आपस में, जब 11 महीने बीत गए जब हमने 3 कानूनों के नाम भी याद नहीं हुए तो 11 महीने धरने का कोई अर्थ नहीं लगता, जो भी धरना होता उस पर चर्चा होनी चाहिए समस्याओं के बारे में,
जो भी भाई प्रधान राजेंद्र सिंह दीप सिद्ध वाला विद्वान भाई आवे उसकी बात सुनने का प्रयास करो। भाई आप भी बैठ जाओ ना सारी ताऊ बैठ जा, बहुत क्रांति कर ताऊ। दोस्तों मेरे साथ हैं अनुसूरा जो बहुत बड़ी एक महिला नेता है, तो आइए आप इनसे जानता हूँ। यह हर जगह हर आंदोलन में शरीक हुई है और बहुत ही एक दबंग किस्म की महिला है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इस करने का मकसद क्या है। हाँ तो अनुसूरा जी आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये धरना जो लगातार तीसरे दिन स्कूल जारी है इसके बारे में क्या कहना? देखो हिसाब से तो ये धरना इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था। प्रशासन हो चाहे नेता हो, जनता के लिए होती है। जो घटनाक्रम हुआ उसमें न्याय की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए ये धरना लगाया गया है कि जो कुलदीप भाई के साथ हुआ है उस बारे में न्याय मिले, FIR दर्ज हो। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। देखो FIR दर्ज करने में समस्या क्या है? प्रशासन जो ये कह रहा है कि कुलदीप को मिर्गी का दौरा पड़ा तो वो तो क्लियर हो जाएगा। FIR का मतलब कोई हम ये थोड़ी कहें फांसी चढ़ा दी जाए। हम इन्फॉर्मेशन पहले जानकारी देना चाहते हैं। सरकार क्या प्रशासन वो जानकारी नहीं देना चाहती, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। का जो प्रकरण है उसी के बारे में ये सारा कुछ हुआ है। पहले लाडुम को धरना था, फिर जिला प्रशासन में यहाँ एसपी का चुनाव किया गया, उसके बाद ये लगा था। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखो सरकार नहीं चेतती तो जो मेरी समझ कहती है जनता को चेतना चाहिए सरकार के बारे में कि सरकार जनता के लिए होती है, ये बताने के लिए होती है कि हम सरकार हैं। एक बच्चा अपने ही समाज का आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और हमारे नेताओं में हमारे प्रशासन में इतनी भी शर्म नहीं बची है कि कम से कम मिलने आ जाए। कोई मिलने तो आता ठीक है, ये बात मान ली हमने उन साथियों। कल फिर भाई SP मैडम नया बयान जारी करा है, तो क्या फर्ज नहीं बनता एक सामाजिक? आशी का प्रशासन कह रहा है कि हमने जांच कर ली। अगर मानवता बार बार प्रशासन की तरफ से ये बात आ रही है कि जहां गाड़ी खड़ी थी ना कि हम सच्चे हैं, वहां से कम भी 200-300 मीटर दूर जाके न कुलदीप पड़ा है। जनता के बीच में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसको तो लाठी लग रही थी। अगर मेरा किसी का गोली भी मार देना या कई बार आपने लड़ाइयों के अंदर देखे होंगे गोली लागण के बाद भी आदमी 2 किलोमीटर तक भी दौड़ लेगा। ये कोई सबूत या प्रमाण नहीं है जो SP मैडम कह रही है। लाठी लागण के बाद हो सके गर्म खून में आदमी 2 किले जाके दूर पड़े, गोली लागण के बाद भी हो सके आदमी 2 किले जाके दूर पड़े, ये आम बात है। लेकिन आशी का प्रशासन जो है BJP के दबाव में, MP रामचंद्र जांगड़ा के दबाव में इस प्रकार की बयानबाजी करें जैसे इनको पता ही नहीं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? सरकार ने चाहिए कोई सबूत? अगली बात, जो ये धरना चल रहा है, हमने ये धरना क्यों चलाया? ये कोई बात नहीं थी हम केस वापस खातर नहीं धरा दे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई को हाथ मना करके SP मैडम के बयान आ रहे हैं, राजनीतिक लोगों के बयान आ रहे हैं, साथियों हाँ भाई मलिक साहब गायक थे यार, जिस प्रकार से प्रधान जी दो मिनट की कोई काम की बात बताऊं, कोई सारे ने बेरा होना चाहिए, कम से कम नू तो हो गेरा है आज कहने तो नुए को नहीं मेरा इतनी बात के है रोड़ा के सुल जगेगा। ये धरना किस लिए है? ये धरना इसलिए है कि हमारा जो भाई जिंदगी मौत के बीच में खेल रहा है। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर लखीमपुर के अंदर BJP का एक नेता ने कार के नीचे धड़ दिया, कह किसान मारे, 4 किसान मारे, 5 मारे, एक पत्रकार समेत 5। अभी हरियाणा के अंदर कुलदीप सातरोड़ को मैंने दिया, मैं तो समझू मारे रखा हो, जब किसी का नूसको कोनी मरिया है उसकी हालत जाके देखा हो।
उसका एक पैर आला है, एक हाथ आला है, दिमाग की तौर से डॉक्टर ये कह रहे हैं अगर बच भी गा तो दिमाग की तौर से वो सही नहीं होगा। वो मरे तो ही गुंडा हल कर दिया उस भाई का मारा। अगर आज हम नहीं लड़े, अगर आज बीजेपी के इस एमएलए एमपी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, एक बात दिमाग में डाल लियो, इनको आदत पड़ जाएगी मानस मारने की, पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी। अगर ये खाली छोड़ दिया हमने कुलदीप राणा की तरह हरेक एक एक जो युवा क्रांतिकारी भाई है विशेषकर माइयर टोल के बहुत सारे साथियों ने, आज की भी मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, आज भी 50 युवाओं को चिन्हित करके जांच लेके उनकी इंक्वायरी करी जा रही है। हरेक थाने में, हरियाणा के हरेक थाने में उनकी इंक्वायरी पूछा रखी धरने के जो 50 साथी होंगे, सरकार ने इंक्वायरी मांगी, इनका पता करो किस संगठन पे है, किस पार्टी पे है, किस थाने में कोई मुकदमा है कि नहीं है। जिस प्रकार से आतंकवादियों की जांच होती है उस प्रकार की जांच हमारी हो रही है, जिसमें मेरा भी नाम सबसे पहला नाम मेरा है। उसके अलावा जितने ये साथी है ना माइय टोल के और जो आसपास के क्षेत्र के युवा साथी है सबके नाम दे रखे उस लिस्ट में। अगर आज हमने ये लड़ाई है दम छोड़ दी, आने वाला नंबर मारा भी है आप सबका भी, आप सबके बच्चों का भी। इसलिए जो भी साथी धरने पर आवे भूल की भी कमजोर बात ना करे, भूल की भी निराशाजनक बात ना करे। संख्या कम है, संख्या कम नहीं होती क्रांतिकारी तो 5 भी बहुत हुए हैं। एक निराशाजनक बात एक आदमी का कान मनु कह दियो अगर संख्या कम है 4 आदमी घर चले जाओ उठ के, और एक मोटिवेशनल बात आपका आम घटना बता दू आपने, 20 कुत्ते होंगे और एक कुत्ता पुंजड़ बच्ची बैठा होगा और उस पुंजड़ बच्ची एक कुत्ते का दौरे जाके एक बाप ने कह दियो लग 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 20 के 20 साल गिल लग गया, देखा होगा तो आम बात है। हौसला वो चीज है, अगर आप हौसला बढ़ाओगे 10 आदमी भी इस आंदोलन को जीतने में सक्षम है, हमारे 10 आदमी भी आंदोलन को जीतने में सक्षम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां जितनी संख्या में बैठे हैं ये धरना भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर टेंट कट रहा। जब तक कोई संयुक्त किसान मोर्चे की कोई बड़ी कॉल नहीं आ जाती तब तक हम शांति से यहां बैठे रहेंगे, और जिस दिन यहां बड़ी कॉल आओगी उस दिन हाँसी में मानस नहीं दौड़ेगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हाँसी मानस अगर गलती से भी सरकार आपको हाथ लगाने की कोशिश करेगी रात न बरात न, आप लोग इस बात का विश्वास रखियो सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है, सरकार को पता है और हमने सरकार को बता दिया क्या है, अधिकारियों को भी बता रखा है। अगर कहीं ना परमात्मा ना करे अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया, मैंने इन एसपी अधिकारियों को भी सारे को बता था अगर कुलदीप राणा को कुछ हो गया ना दुनिया में फैसला करनिया नहीं पाओगा, तर फैसला करनिया नहीं पाओगा इन अधिकारियों का, और इनको सस्पेंड होना पड़ेगा, इनको टर्मिनेट होना पड़ेगा, उस राज्यसभा सांसद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन अधिकारियों ने सस्पेंड करेगी सरकार। जो अधिकारी आज राज्यसभा की भाषा बोल रहे हैं, राज्य संसद की भाषा बोल रहे हैं साथियों, उसी प्रकार से आपके बीच में मोर्चे के बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। डल्लेवाल जी भी आपके बीच में आने वाले हैं, राकेश टिकैत जी आपके बीच में आए थे, कल किसी वजह से बैठक के अंदर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन एक एक सेकेंड के एक एक मिनट की आपकी खबर संयुक्त किसान मोर्चा ले रहा है। जल्द ही एक दो दिन के अंदर हम भी दिल दे रहे हैं, क्योंकि काम का टाइम एक एक दिन लेकर है, काम घटा है हमारा, जितना हमारा काम घटेगा उतनी हमारी संख्या बढ़ेगी। एक दो दिन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान करेगा, उसके बाद हम एटी तक चोटी तक का जोर लगा के इस सरकार को हराने का काम करें। हमारे माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
बहनों और माताओं, आप सभी जहां पे न्याय लेने के लिए पक्का मोर्चा लगाए डटे हुए हो और जैसे विकास भाई ने बताया कि ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि यहां गिनती कितनी है, ज्यादा है या कम है, क्योंकि अब अगर कहीं एक भी किसान इन कृषि कानूनों के साथ खिलाफ बैठा हुआ है तो उसका मतलब वो एक नहीं है, वो पूरे देश का किसान बैठा हुआ है, कहीं एक है या चार है या पांच है। अगर हांसी में कुछ होता है तो वो सिर्फ हांसी के किसानों का मामला नहीं है, वो पंजाब के किसान का भी मामला है, वे यूपी के अगर लखीमपुर में खुश होता है तो वो लखीमपुर के किसानों का मामला नहीं, वो पूरे हरियाणा के किसान का मामला है, पूरे हिमाचल के किसान का मामला है, पंजाब के किसान का मामला है। इस तरह इस आंदोलन में अब किसान एक मुठ हो चुके हैं, अपने धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा उनकी पीछे छूट गई, सबसे पहले उनका पहला धर्म उनकी किसानी, उनकी खेती बन चुकी है, इसलिए बीजेपी सरकार लगातार पीछे दौड़ रही है और आप लगातार उन्हें पीछे दौड़ा रहे हैं। और जो बीजेपी के नेताओं में बहुत अहंकार आ गया है, जब उन्हें कोई बोलता है कि आप लगातार हार रहे हो तो कई बीजेपी के नेता ये बोलते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, मोदी जी बहुत मजबूत नेता है, हमारी तो बहुत ज्यादा हमारे एमपी हैं लोकसभा में, कभी बीजेपी इस तरह की भी हुआ करती थी कि हमारी सिर्फ दो सीटें हुआ करती थी। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप जिस तरह के कार्य कर रहे हो आप दो पर भी सिमटोगे, आप दो पर भी सिमटोगे जिस तरह के कार्य आप कर रहे हो। और ये आंदोलन जब पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैला और जिन लोगों को लगता था कि ये आंदोलन तो सिर्फ एक सीमित एरिया का है, जब एक साल होने को है तो पूरे देश में इस आंदोलन की चर्चा चली और उसका असर भी होना शुरू हुआ है और उसका परिणाम आप हिमाचल चुनाव में देख सकते हो कि जहां इस बार जो सेब का उत्पादक था किसान, जैसे उसकी लूट हुई है, जिस तरह व्यापारियों ने वहां किसानों का हाल किया उसी तरह किसानों ने चुनाव में वहां बीजेपी का हाल किया। यहां से बीजेपी को सबक ले लेना चाहिए कि अगर वो देश के अन्नदाता के खिलाफ इस तरह के कार्य करती रहेगी तो उसकी होंद भी इस देश में नहीं रहेगी। और बहुत सारे लोग अभी तक भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ किसानों का मामला है, ये किसानों का मामला नहीं है, ये हर उस आदमी का मामला है जो रोटी खाता है। मैं दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। इस देश की जो 67% आबादी है वो पीडीएस पर निर्भर करती है, जनतक वंड प्रणाली पर निर्भर करती है, जो राशन की दुकान से, राशन डिपो से सस्ता राशन लेती है। जब एफसीआई इस देश में बनी तो उसके तीन कार्य निश्चित किए गए। पहला ये कि कम से कम समर्थन मूल्य पर किसान की उपज को खरीदा जाएगा। दूसरा ये कि इतना अनाज स्टोर करके रखा जाएगा, सरकार इतना अनाज स्टोर करके रखेगी कि अगर कोई जंग की स्थिति बनती है, कोई अकाल की स्थिति बनती है, भूखमरी की स्थिति बनती है, जब बहुत ज्यादा महंगाई की स्थिति बनती है तो सरकार के पास उसके स्टोर में इतना अनाज होना चाहिए कि वो स्टोर से निकालकर बाजार में लाए, महंगाई भी कंट्रोल हो जाए और कोई कालाबाजारी करके लोगों की लूट न कर सके। और तीसरा था कि जो लोग अनाज नहीं खरीद सकते, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको सस्ता राशन दिया जाए।
ये तीन कार्य तय किए गए जब एफसीआई की एफसीआई इस देश में बनी, लेकिन 2002 से केंद्र सरकार के में जितनी सरकारें रही, अलग अलग कमेटियां कमीशन बने, सभी ने यह किया कि एफसीआई को डिसॉल्व किया जाए, एफसीआई को खत्म किया जाए। सिर्फ एफसीआई को ही नहीं, ये 2002 से चल रहा है ये कानून, ऐसे नहीं कि अचानक आसमान से टपक पड़े। 2002 से केंद्र में जितनी सरकारें हैं वो लगातार ये कोशिश करती रही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया जाए, एमएसपी खत्म किया जाए और जो सस्ता